नमस्कार प्रणाम, मेरा नाम सत्यम साहिल और आप बाबा एक्सप्रेस न्यूज देख रहे हैं। बेगूसराय गोलीकांड पर बेगूसराय के एसपी योगेंद्र कुमार ने बड़ा खुलासा करते हुए कहा है कि इन कारण अपराधियों ने 11 लोगों को मारी थी गोली। अब आइए जानते हैं वो क्या वजह थी जिसके कारण अपराधियों ने गोली चलाई थी। बिहार के बेगूसराय में 13 सितम्बर को NH 28 और 31 पर हुए गोलीकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। बेगूसराय के एसपी योगेंद्र कुमार ने कहा कि जांच में प्रथम दृष्टता यह सामने आई है कि आरोपियों ने दहशत फैलाने के मकसद से गोलीबारी की। उन्होंने कहा कि इस मामले में 4 लोगों को पकड़ा गया है। इनकी पहचान नागा उर्फ केशव, सुमित, चुनचुन और युवराज के रूप में हुई है। बेगूसराय एसपी के अनुसार इसके पास से 2 देसी पिस्टल और घटना में प्रयुक्त किए गए बाइक भी बरामद किए गए हैं। साथ ही घटना के वक्त के आरोपियों ने जो कपड़े पहने थे उसे भी बरामद कर लिया गया है और 4 मोबाइल को भी जब्त किया गया है। एसपी ने बताया कि घटना को गंभीरता से लेते हुए DIG बेगूसराय के निर्देश पर 4 स्पेशल टीम का गठन किया गया था। यह टीम लगातार अपना काम कर रही थी। टीम बेगूसराय, समस्तीपुर, पटना, खगड़िया, जमुई, लखीसराय जिले में लगातार छापेमारी कर रही थी। एसपी ने कहा कि 22 जगहों पर लगे CCTV फुटेज को मिलान किया गया। सभी जगह 2 बाइक पर 4 लोगों को अपराध करते हुए देखा गया। एसपी ने कहा कि फुटेज से मिलान के आधार पर गिरफ्तारी हुई। घटना के तुरंत बाद टेक्निकल सर्विलांस और CCTV फुटेज के आधार पर अपराधियों को चिन्हित किया गया। उसके बाद आरोपियों की गिरफ्तारी की गई। एसपी ने दावा किया कि पूछताछ में अपराधियों ने अपना अपराध स्वीकार किया। एसपी के अनुसार युवराज ने बताया कि घटना में येलो रंग की जो टी शर्ट पहने हुए शख्स दिख रहा था वह सुमित कुमार है। सुमित के घर से येलो टी शर्ट बरामद किया गया। उसके बाद सुमित को गिरफ्तार किया गया। युवराज की निशानदेही पर 2 देसी पिस्टल बरामद किया गया। यही नहीं, युवराज जिस बाइक पर बैठा हुआ था वह पुलिस ने बरामद कर लिया है। दूसरी बाइक की बरामदगी की पुलिस की छापेमारी कर रही है। एसपी के अनुसार नागा उर्फ केशव और चुनचुन इस घटना की प्लानिंग रचने में शामिल थे। ये सभी घटना के समय आपस में फोन से कनेक्ट थे। इसके बाद जानकारी मिलने के बाद चुनचुन को गिरफ्तार किया गया। इसके बाद नागा की तलाश शुरू की गई थी। जानकारी मिली कि वह जिले के बाहर निकल गया है, इसके बाद टीम ने झाझा के जमुई रेलवे स्टेशन से उसे गिरफ्तार किया। एसपी ने बताया कि नागा उर्फ केशव हत्याकांड से इस संगीन मामले में जेल भी रहा है। उसके खिलाफ आर्म्स एक्ट के 2 मामले पहले से दर्ज है। सुमित के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला पहले से दर्ज है। एसपी के अनुसार इस घटना में कई और लोग भी शामिल हो सकते हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। एसपी ने दावा किया है कि आरोपी जिले में दहशत फैलाने के लिए घटना को अंजाम दिया गया है। आइए देखते हैं बेगूसराय एसपी योगेंद्र कुमार ने क्या कहा। तब तक के लिए बने रहिए बाबा एक्सप्रेस न्यूज के साथ। घटना के बाद से जो टेक्निकल और CCTV एनालिसिस हुआ था उसके आधार पर युवराज की पहचान की गई थी और युवराज की गिरफ्तारी हुई। युवराज वही व्यक्ति है जो मोटरसाइकिल पर आगे पीले रंग के टी शर्ट में दिख रहा है। युवराज ने पूछताछ में अपना अपराध स्वीकार किया। पूरी घटना उसने बताई। युवराज ने बताया कि पीछे जो लड़का बैठा था वो सुमित है और युवराज ने यह भी बताया कि उसकी जो पीले रंग की टी शर्ट है वो सुमित के ही घर पर है। तो इसके बाद पुलिस ने सुमित के घर पर छापेमारी की और वो जो शर्ट है वो वहाँ से बरामद की है। इसके आधार पर फिर युवराज सुमित की गिरफ्तारी हुई। फिर युवराज की निशानदेही पे घटना में जो 2 देसी पिस्टल इन लोगों ने इस्तेमाल की थी उसको भी पुलिस ने जब्त किया है और घटना में जो मोटरसाइकिल इन लोगों ने प्रयोग की थी जो फुटेज में दिख रही है उसको भी पुलिस ने बरामद किया है। देखिए, पूछताछ में दूसरी मोटरसाइकिल पे जो 2 अन्य अपराधकर्मी थे उसके भी बारे में हम लोग को पता चला है। उस पर भी हम लोग की टीम जो है वो लगी हुई है। देखिए, पूछताछ में इन्होंने बताया है कि पुलिस को कि इस घटना की प्लानिंग में, षड्यंत्र को रचने में चुनचुन और केशव और नगवा भी शामिल थे। ये सभी घटना से पहले, घटना के समय और घटना के बाद आपस में लगातार फ़ोन के माध्यम से संपर्क में थे। इनका मूवमेंट सस्पेक्टेड पाया गया था। तो इस तथ्य की जब जांच हमारे टेक्निकल सेल की टीम ने की तो इसको सही पाया गया, इसके क्रेडिबल एविडेंस मिले और उसके आधार पर फिर चुनचुन की गिरफ्तारी हुई। लेकिन तब तक केशव और नगवा जिले से बाहर भाग चुका था तो हम लोगों ने स्पेशल टीम को भेज करके इसकी गिरफ्तारी जमुई से कराई है। देखिए, मैं आपको इसमें बता दूं कि चुनचुन पे 6 मामले दर्ज हैं, मर्डर के, लूट के, आर्म्स एक्ट के। 2.5 साल जेल में रह चुका है, 3 महीने पहले ही छूटा है बेल पे। केशव और नगवा पे आर्म्स एक्ट के 2 मामले दर्ज हैं, ये भी जेल हो चुका है। सुमित पे भी आर्म्स एक्ट के मामला, 1 मामला दर्ज है, ये भी जेल रह चुका है।